Welcome, I'm Pooja and you're watching One India News. Well, if you're one of those who live to eat, then this is heaven for you for sure. We are here at Pragati Maidan, a Ahar Food Festival, and if you're thinking to come here, alas, today is the last day. But don't worry, we're just going to roam around and tell you what all stalls we have here. Let's check it out. So here we are at the bakery stall and you can see some yummy bakery products जो मुझे समझ में नहीं आ रहे क्या है और हम बेकल्स पे हैं. मेरे साथ शेफ हुसैन है जो हमें बताएंगे कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स क्या है जो लोग टेस्ट कर रहे हैं. तो आप और बताइए जो यमी सा दिख रहा है मेरे कैमरामैन, मैं उन्हें बोलूँगी कि दिखाएं व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स एक्चुअली और ये कैसे बने हैं. ये मैम जितने भी आप ये सारे हमारे पफ पेस्ट्री वगैरह देख रहे हैं इनको हम क्रोसो बोलते हैं. क्रोसो और ये इसको डैनिश बोलते हैं. डैनिश हाँ. इसके अंदर जो फीलिंग आप ये देख रहे हैं ये ब्लूबेरी फ्रूट फीलिंग है बेकल्स कंपनी का. और ये जो ग्लेजिंग हमने किया हुआ है ये बेकल्स कंपनी का एक न्यूट्रल ग्लेज आता है उसके साथ इसको ग्लेजिंग किया हुआ है. ठीक है. और ये सर ये भी इसी तरीके से फ्रूट फीलिंग के साथ बनाए हुए हैं इसको भी डैनिश बोलते हैं हम. ये डोनट्स हैं हमारे. इसके ऊपर जो कोटिंग किया हुआ है जो ये शाइनिंग दे रहा है गोल्डन एंड वाइट ये सारे हमारे बेकल्स कंपनी के प्रोडक्ट हैं उसके साथ हमने इसको यूज करके बनाया हुआ है. अच्छा ये बिल्कुल नई चीज है. डोनट्स हमने बहुत सारे खाए हैं लेकिन ये डोनट्स बिल्कुल शाइन कर रहे हैं तो ये आई थिंक आपकी स्पेशलिटी है. एक मैं आपसे चीज पूछूंगी ये जो चीज शाइन कर रही है बर्फी जैसी लग रही है बट आई डोंट नो व्हाट इट इज जेली टाइप व्हाट इट इज. इसको हम बोलते हैं पैतित फोर स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री. इसको हम जैसे होटल्स वगैरह में बुफे वगैरह में लगाते हैं. व्हाट इज मेड फॉर मतलब किससे बना है. ये नीचे का जो इसका बेस है ये एगलेस स्पॉन्ज बेस है केक का बेस स्ट्रॉबेरी विद फ्लेवर. और ऊपर का ये जो आप शाइनिंग वगैरह देख रहे हैं ये हमारे बेकल्स का एक ग्लेज है उसके साथ इसको बनाया हुआ है. टोटली नेचुरल है कोई सिंथेटिक फ्लेवर वगैरह नहीं है इसके अंदर. और ये कैसे टेस्ट करता है खट्टा मीठा या मिक्स ऑफ बोथ. नहीं इसके अंदर अभी ये सिर्फ आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देगा ये. ओके ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ बनाया हुआ है. ठीक है तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर एक बेकरी ईटेबल्स का पूरा स्टॉल है जो लोग टेस्ट कर पा रहे हैं तो हम वो जाते हैं और वो टेस्ट करते हैं कि वो कैसे हैं. ओके सो वी हैव सम अमेजिंग बेकरी प्रोडक्ट्स हियर फॉर टेस्ट एंड ट्रायल. तो शेफ हुसैन हमें बताएंगे कि ये सब जो रखा है ये क्या है एग्जैक्टली क्योंकि देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं तो आप शुरू कीजिए बिल्कुल. इनको हम जेली फ्लेवर्ड फिलिंग बोलते हैं बेसिकली. हाँ ये हमारा फ्लेवर है अलग अलग फ्लेवर है पाइनएप्पल है ऑरेंज है जी स्ट्रॉबेरी एंड दिस इज गोल्डन ग्लेज. हाँ फॉर केक की डेकोरेशन के लिए ऊपर के लिए दिस इज सिल्वर ग्लेज एंड दिस इज कैरामल ग्लेज. ओके कैरामल जो बहुत लोगों का फेवरेट होता है दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट इट यू कैन कम हियर बेकल्स पे. और ये चॉकलेट ग्लेज है इसके साथ. ओके उसके अलावा एक हमारी ये फ्रूट फिलिंग की रेंज है. सो ये आपका स्पेशल है जी फ्रूट फिलिंग नेचुरल फ्रूट विद कलर. तो इसको मैं थोड़ा सा काम करती हूँ टेस्ट करती हूँ और पता चलेगा कि ये कितना डिफरेंट है. बहुत अच्छा है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है. यू कैन ईट इट विदाउट एक्चुअली फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्रूट फिलिंग. ये आप पीसेस देख रहे हैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के पीसेस भी हैं. ओके तो इसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी मिलेगा क्योंकि एक्चुअल में फ्रूट्स इन्होंने डाले हैं. सो दिस इज रियल बहुत टेस्टी है नेचुरली बनाया है ऐसा लग रहा नहीं है कि कोई प्रिजर्वेटिव डाले हैं इन्होंने. वेरी कूल एंड दिस इज व्हाट दिस इज रास्पबेरी. रास्पबेरी ओके ये भी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है आपका गला खराब नहीं होगा एंड एट द सेम टाइम यू विल फील दैट आप एक्चुअल में कोई बेकरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं.